वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग रेसिपी बनाने जा रहे हैं, ये एक बेसिक रेसिपी है गोल्ड जेल की। अगर आपको एडवांस सीखना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूंगी, तो आप मुझे कनेक्ट करके एडवांस जेल्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग आज बनाने जा रहे हैं गोल्ड जेल है, तो ये गोल्ड पाउडर से बनती है। गोल्ड पाउडर इस तरह से दिखता है। गोल्ड जेल के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? एंटी एजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फाइन लाइन्स रिंकल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये अच्छा एक ग्लोई शाइन इफेक्ट देता है और स्किन में इलास्टिसिटी, जो स्किन टाइटनिंग चाहिए रहती है, वो बढ़ाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है। एलोवेरा जेल का भी मैंने एक बेसिक वीडियो डाला है, अगर आप चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो मैंने डीएम वाटर से बनाया था, लेकिन यहाँ पे जो एलोवेरा जेल मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका खास बात ये है कि ये एलोवेरा की वाटर से बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी थिक है, और इसमें जो टी मिलाते हैं वो टी भी नहीं मिलाया हुआ है। ये बहुत ही थिक है। एलोवेरा वाटर का जो बेनिफिट्स है वो है नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ देना आपकी स्किन में, हाइड्रेट करता है, और एक इरिटेशन अगर इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, तो उसको हटाने में हेल्प करता है। तो ये प्योर एलोवेरा वाटर से बना हुआ है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है 1 to 1.5 ईयर्स की है। ये बहुत ही हाइड्रेटिंग और नरिशिंग है, बहुत ही अच्छा है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। तो इसका भी लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ से आपको वेंडर से लेना है वो आप परचेज़ कर सकते हैं, और वो इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो आप उनको कनेक्ट करके ले सकते हैं। अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगाएंगे द लश करके, तो वो आपको 10% ऑफ भी देंगे। सो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है, और इसके बाद मैं 1 ग्राम गोल्ड पाउडर लूँगी। गोल्ड पाउडर कुछ इस तरह से है। इसको अच्छी तरह से आप लोग मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोग एक्सट्रैक्ट्स डालेंगे, जो एक लाइटनिंग इफेक्ट देते हैं, हमारी स्किन लाइटनिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पे मैं मलबरी एक्सट्रैक्ट ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। 4 ड्रॉप्स डाले हैं मैंने। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, आप चाहें तो लिक्रिस एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं, जो लाइटनिंग के लिए अच्छा रहता है। अब अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेंगे। हालांकि जो एलोवेरा जेल मैंने जो परचेज़ की है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, लेकिन जब आप कोई भी इंग्रेडिएंट उसको बनाने के लिए डालते हैं, कोई भी पाउडर्स डालते हैं जेल में फिर से, तो आपको फिर से प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे मैं इसका गार्ड का प्रिजर्वेटिव ले रही हूँ, 1 ग्राम। अच्छी तरह से आप लोग मिक्स कर देंगे। और मैं आपको बताना भूल गई, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी ले लिया है मैंने। जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स आप डालेंगे। ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जो है एक्ने और ब्लेमिशेस को हटाता है, साथ ही अच्छा ग्लो देता है स्किन में। आपकी गोल्ड जेल रेडी है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक है।
अब इसको अप्लाई कैसे करना है, डे एंड नाइट में आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, और इसको मसाज कर दीजिए और छोड़ दीजिए। अगर आप इसको इसको रोज़ भी लगा सकते हैं, कंटिन्यू यूज़ करने से ये पिगमेंटेशन को भी हटाता है, सो आप भी ट्राई कीजिए। और वेंडर डिटेल्स मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ कि रॉ मटेरियल्स भी आपको कहाँ से परचेज करना है, एंड एलोवेरा जेल ज़रूर आप ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर। थैंक यू।